विश्व के 18 देशों की साइकिल यात्रा कर चुके 67 वर्षीय रिटायर्ड नायब तहसीलदार बुल्डाना महाराष्ट्र निवासी द्वारा श्रीनगर कश्मीर से कन्याकुमारी की फिट इंडिया का संदेश लेकर निकले, जिनका गत दिवस शिवनी आगमन पर ढोल बाजों और पुष्पों से भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर शिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हो पाए। इस अभिनंदन कार्यक्रम में सिटी कोतवाली शिवनी नगर निरीक्षक MD नगोतिया डॉक्टर सुनील अग्रवाल सहित नागरिक उपस्थित थे। इसके उपरांत वो नागपुर के लिए दूसरे दिन प्रातः रवाना हुए। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। सर, आपका जो फिट इंडिया का जो मूवमेंट का चल रहा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, उसमें तो सब मैं अभी तो लाल चौक श्रीनगर से निकला हूँ, साइकिल से 8 तारीख से निकला हूँ और कन्याकुमारी जा रहा हूँ। तो इसके पीछे मकसद यह है कि फिट इंडिया साइकिल चलाइए, साइकिल का प्रचार करना, ये मेरा हेतु है, उद्देश्य है, करके मैं निकला हूँ। और लोगों को वही करता हूँ कि कहता हूँ कि साइकिल चलाइए, फिट रहिए। मेरे 67 एज में ना मुझे गोली ना शुगर ना कुछ ना कुछ, तो आप साइकिल चलाइए, एकदम फिट रहिए। कितने देशों में भ्रमण कर चुके हैं विश्व के? विदेश में? हाँ, विदेश में 2004 में जो एथेंस ओलंपिक हुआ था ग्रीस में, उसके लिए मैं साइकिल से गया था। और उस टाइम जो इंडियन प्लेयर गए थे उनको चेयरिंग करने के लिए मैं गया था, तो वहाँ उस टाइम जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे सुनील दत्त, क्रीड़ा मंत्री थे, वो वहाँ अध्यक्ष में मुझे मिले थे और वहाँ से हमारा एक प्रोग्राम भी रिले हुआ था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई इंडियन प्लेयर को मुझे मिलना है, तो उन्होंने सब इंडियन प्लेयर को मिला दिया था। कितने देश गए थे आप? मैं वैसा मेरा 21 देशों का सफ़र था, पर मेरा 17-18 देश हो गए। तो एक्चुअली मैं पाकिस्तान से जाने वाला था, पर वीज़ा भी था मेरे पास, पर उधर कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं 18 से वापस आया। तो यहाँ से मैं इजिप्ट गया बाय प्लेन, इजिप्ट से भी मेरा साइकिल सफ़र शुरू हुआ। फिर इजिप्ट, लीबिया, टूनिसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ग्रीस, हॉलैंड, पोलैंड, एक बार निकला मैं, तो एक कंटिन्यू गया। कितने समय लगे? 1 साल गया था मैं। और इंग्लैंड में जाते टाइम समुंदर है, तो इंग्लिश खाड़ी जो है वो शिप से गया था। उसके बाद जहाँ ओलंपिक हुआ एथेंस में, वहाँ पर भी समुंदर है, तो वो भी शिप से गया था। तो जहाँ जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ शिप से गया, बाकी सब साइकिल से गया। तो मैं तकदीर वाला, इंडिया में मेरा जन्म हुआ, ये मेरा माता जी पिताजी का कुछ भी अच्छा पुण्य का काम होगा करके मेरा इंडिया में जन्म हुआ। इसकी वजह ऐसा है कि मुझे सिख लोगों ने मदद किया, गुजराती लोगों ने मजाक किया, पंजाबी ने हस्ताक्षर, हर केरल के लोग सब ने मुझे हेल्प किया। जब मैं लंदन गया था ना, तो लंदन एक गुरुद्वारा में मैं ऐसे डायरी लिख रहा था, रोज मैं अभी भी लिखता हूँ, तो मैं डायरी लिखता था। तो एक सरदार जी मेरे बाजू में आके खड़ा था, फिर बोले नमस्कार जी, नमस्कार होगा, बोले इधर कैसे क्या गए? मैं बोला गुरुद्वारा जी था, ज्ञानी जी को पूछा मैं, यार रुक गया, ये लंदन साउथ हॉल की बात है। वो बोले रुक जा, मैं रुक गया वहाँ पर। बोले आगे कहाँ जाओगे? बोले मैं बोला फ्रांस जाऊँगा। फिर वहाँ पर क्या है? बोले आपका। मैं बोला आप है, दूसरा कौन है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।